सिद्धार्थ नगर से अरुण शुक्ला पत्रकार की रिपोर्ट। जश्न ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। सिद्धार्थ नगर जिले में जश्न ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। डुमरियागंज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाल करके यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया। इस पर्व में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ लोगों को भी देखा गया। साथ ही साथ लोगों ने भाईचारे का पैगाम देते हुए एकता और अखंडता बनाए रखने के लोगों से अपील की। साथ ही साथ नारेबाजी भी की गई। मुस्लिमों के इस पाक पर्व को आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। जुलूस में मुस्लिम समुदाय सहित अन्य समुदाय द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को भोजन के साथ साथ पानी व अन्य चीजें भी खिलाई पिलाई जाती है। लोग एक दूसरे से गले मिलकर आपसी भाईचारे का पैगाम देते हैं। डुमरियागंज में यह जुलूस बेवा चौराहे से निकलकर खीरा मंडी होते हुए डुमरियागंज मेन चौराहे पर इसका समापन होता है। इस बारे में मौलाना मकसूद व अरबाब ने कहा, यह जुलूस ही नहीं, यह एक इंटरनेशनल त्यौहार है जो पूरे मुल्क में मनाया जाता है। इसके निकालने का मकसद हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि आज ही के दिन आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का इस दुनिया में आना बेहद ही खुशी का मौका है, इसी चीज को लेकर यह जुलूस निकाला जाता है। हजरत मोहम्मद साहब ने डूबती हुई इंसानियत को सहारा दिया था। हजरत मोहम्मद साहब ने गरीबों मजलूमों की हमेशा मदद की थी। इस जुलूस के माध्यम से उनका मानना था कि हमारे आने वाले लोगों में यह चीज जुलूस निकाल कर बांटेंगे। जुलूस मोहम्मदी से लोगों में एक ही पैगाम दिया जाता है, आपसी सौहार्द और भाईचारे का। बाइक व्यवस्थापक मौलाना अरबाब फारूक की बाइक, सदर गरीब नवाज मौलाना मकसूद अहमद। आज आप लोगों के द्वारा जुलूस निकाला जा रहा है, इसका मकसद क्या है और ये कहां से इसकी शुरुआत हुई है? इसकी डुमरियागंज के जुलूस से मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरुआत तकरीबन 100 साल से ज़्यादा का अरसा हो रहा है। हमारे पूर्वजों और हमारे बुजुर्गों ने इस जुलूस मोहम्मदी का रिवाज कायम किया था। जुलूस मोहम्मदी डुमरियागंज की ये तारीख रही है कि लाखों का मजमा इंसानियत का पैगाम देते हुए अपने आका की मिलाद पर दरूद व सलाम पढ़ते हुए भारत और अपने मुल्क हिंदुस्तान की अमन अमान के लिए दुआएं करता हुआ गुजरता है। आज एक बार फिर से हम माहे मिलाद में अपने पैगंबर के तारीख आमद पर पूरे हिंदुस्तान में अमन अमान, सालमियत, इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब के लिए प्रयासरत हैं और यहां से हम इस गंगा जमुनी तहजीब को नई जिंदगी और नया आयाम देने का काम करेंगे। आज आप लोगों के द्वारा जुलूस निकाला जा रहा है, इसका मकसद क्या है? देखिए, ये जुलूस कोई आज नया जुलूस नहीं है। सबसे पहले तो जुलूस के बारे में ये बता दूं, ये जुलूस ही नहीं है बल्कि ये इंटरनेशनल त्यौहार है। आलमी तौर पे ये त्यौहार है जो पूरे मुल्क में मनाया जाता है। इस जुलूस निकालने का सिर्फ एक ही मकसद है। इस जुलूस के मौके पर हम ये बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि आज के दिन जो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है और आज इनकी तारीफ में आप दुनियागल में जलवा कर दुनिया में जलवा कर हुई है। बिलखसूस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना पूरी कायनात के लिए खुशी का मौका है, इसलिए कि आपने दूसरी हुई इंसानियत को सहारा दिया है, दूसरी हुई इंसानियत को आपने सहारा दिया है। यतीमों का हक, बेवाओं का हक आपने देकर ये बता दिया है। आएगा हमारे चाहने वाले, मेरे मानने वाले जुलूस मोहम्मदी के मौके पर मेरे दिए हुए संकेत अमन शांति के पैगाम को दुनिया भर में आप करने का काम करते हैं। इसीलिए हम भी जुलूस मोहम्मदी से सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहते हैं।